करो। खाने में क्या बना? पाव भाजी। तो भाई मम्मी ने अपने व्लॉग में ना मेरी पतंग जला दी थी, तो मैंने मम्मी को प्रॉमिस करा था, मैंने आपने मेरा दिल दुखाया तो मेरा दिल खुश करो, तो मम्मी ने पाव भाजी बनाई आज घर में। ये लो जी अंडे, मैंने डाइट में ऐड कर दिया क्योंकि मैं जिम जाने लग गया हूँ। इंस्टा पे स्टोरी वोरी डालता हूँ, देख लिया करो, तो पाव भाजी निपटाते और फिर चलते काइट का स्टैंड दिखाने। तो भाई पाव भाजी एक नंबर बनाई थी मम्मी। तो अभी हाँ अभी देखो, अभी अंडे मेरे से खाए नहीं गए थे क्योंकि भाई चावलों के साथ ही खाता हूँ मोस्टली, तो मैं तो ये देखो भाई। हाँ रूबी आ जा, तू गुर्रा ओ तेरी। तो भाई अभी अपन पहन के जा रहे हैं जॉर्डन्स, बहुत दिनों बाद को एक स्विगी वाले भाई मिले। भाई ये क्या है, व्हीलचेयर है? अबे तू थोड़ा सा बहन का, बहुत तगड़ी व्हीलचेयर है भाई साहब। कितने की है? 1 लाख की। अब महंगी होगी ये, घड़िया भाई महंगा महंगा सौदा रखा हमने। भाई ये देखो क्या लग रही है भाई, मस्टैंग ब्लैक कलर की, जीटी किट लगी हुई है इसमें, 5.0 मस्टैंग। आंटी उस पे थाली रख के खा रही है। और आज 13 अगस्त है, परसों 1 अगस्त है, 15 अगस्त है। और भाई सिक्योरिटी देखो कितनी टाइट चल रही है मम्मी, बहुत अंत पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे भाई, फायर जेट और ये वो स्मोक बम मशीन सब खड़ी है। तो भाई पूरी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, ये देखो भाई हर जगह। तो अभी अपन आ गए हैं सुभाष नगर पैसिफिक मॉल के जस्ट पीछे, जाना अपने को। आजा बढ़िया, आजा भाई आजा फटाफट, आजा। तो इसके घर जा रहे हैं अपन पतंग का स्टेज दिखाने, पतंगे आ गई है बहुत तगड़ी तगड़ी, तो देख के आएंगे। तो भाई अभी अपन आ गए हैं भाई के घर, क्या हाल है भाई? तो भाई के कलेक्शन में और भी पतंगे आई हैं। चलो जी पंजाब से आई है, पंजाब से आई है, क्या हाल है? बढ़िया। ये सारे अपने छोटे सब्सक्राइबर आ जाओ भाई। तो हवा चल रही है नहीं चल रही भाई? बहुत कम है, कम है, बड़ी पतंग नहीं उड़ पाएंगी। चलो देखते हैं भाई क्या माहौल रहता है। तो भाई पूरा स्टेज दिखाएंगे और आज ना भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पतंग उड़ाएंगे भाई, पूरी पंजाब की, लाहौर की है, लाहौर की पतंग है, लाहौर की डिजाइन है, पर वो वाली शब्द से मिलनी मुश्किल है यहाँ पर है। अमृतसर चलो गया, आपको अमृतसर में दिखा देंगे। तो भाई अमृतसर का बनाएंगे ट्रिप अगले महीने, ऊपर चलते हैं। सीन ऐसा है जो मैंने आपको बोलना था ना, तो भाई इनके घर हम फिर से आ गए और इनकी वीडियो भाई बहुत वायरल हो रही है यूट्यूब पे, तो इन्होंने क्या है स्ट्रेच और मंगाया है। तो ये तीन है, ये हमारे भाई गिव अवे के विनर भी थे भाई, तो ये सारे पतंग के शौकीन है। हाँ जी, शौक कब से लगा ये? बहुत पुराना, 30 साल पुराना। 30 साल? और आज की का कलेक्शन देखते हैं कि नई नई कौन सी पतंगें जुड़ी हैं। तो जो पहले वाला कलेक्शन था वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं है, इसके अलावा अगर किसी को देखने, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो वो देख लेना, रिपीट नहीं करेंगे अपन। तो भाई दिखाओ क्या क्या आया भाई, कहाँ से आया माल? अमृतसर से आया है हमारा सब कुछ, और सबसे पहले जो दिल्ली में मिलती नहीं है ये टुक्कल पतंग। टुक्कल बोलते हैं टुक्कल इसको, अमृतसर में पतंग बोलते हैं, दिल्ली में टुक्कल बोलते हैं। अच्छा, तो भाई कितनी डंडियों से बनता है? 1 2 3 4 5 मतलब 4-5 उससे बनता है। और ये कहाँ की है, अमृतसर की पतंग है या पाकिस्तान? ये अमृतसर में बनती है और पाकिस्तान में बनती है, उसके अलावा और कहीं नहीं बनती। अच्छा, तो ये कितने रुपए की होती है भाई? ये मेकर वाइज होती है, आपको 150 रुपए की भी मिल जाएगी, 100 रुपए की भी मिल जाएगी, 50 रुपए की भी मिल जाएगी, एक पतंग क्वालिटी के हिसाब से होता है। अच्छा, ये कितने वाली? ये आपके 80 रुपए वाली। 80 रुपए वाली, चलो जी। ये प्रॉपर इसमें ये बांस से बनी है, जो बांस होता है बांस को प्रॉपर छीला जाता है, आप ये देखो बांस है, हमारे मतलब आपको बांस को प्रॉपर छीला गया उससे बनी है ये पतंग। अच्छा, जैसे मम्मी मेरे को छीलती है। ये देखो भाई सारे कलर, सारे डिजाइन है, हर डिजाइन का अलग नाम है कि जैसे कि ये इसको सलारा बोलते हैं, सलारा डिजाइन है। हाँ, और ये करारा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, इसको शिश्रु बोलते हैं भाई। PhD करी है क्या पतंग में? और ये ओ भाई, तो मतलब जितने कलर होंगे उतनी पतंग। ये क्या मोर? और मेकर वाइज है, अलग अलग मेकर। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये पाकिस्तानी डिजाइन है। अच्छा, ये पाकिस्तानी है, बहुत सुंदर है, इसको उड़ाएंगे भाई। कितने रुपए की? ये 150 रुपए की। डिजाइन जो पिछली वीडियो में आपने नहीं देखे थे भाई, ये पतंग ना लिटरली बहुत भारी उड़ती है, और जो दिल्ली में मांझा मिलता है इससे उड़ती भी नहीं है ना, नहीं। इनके लिए अलग मांझे होते हैं, मांझे की अलग बना हुआ भी है, जो इन्होंने स्पेशल मांझा मंगाया। और मैं ना क्या करूंगा, मैं ड्रैगन मांझा लाऊं तो मैं अपने मांझे से तुम्हारे मांझे से पीछे करेंगे, इनका मांझा मोटा वाला है इन पतंगों के लिए। तो देखते हैं भाई कैसा मांझा बढ़िया रहता। तो ये कितने कितने की है? ये सब आपकी 60 रुपए पीस है। 60 रुपए पीस? तो भाई ये सिर्फ दिल्ली में यही उड़ाते हो भाई? हम तो यही उड़ाते हैं।
अच्छा बटर पेपर से भाई और कागज में और क्या फर्क होता है, जैसे इस कागज और इस कागज में? अरे ये तो धोती खोल रहा है। नॉर्मल कागज तो ऐसा होता था जो दिल्ली में भी मिलता है, बटर पेपर होते हैं अमृतसर में फेमस होता है उसका। तो बटर पेपर की पतंग कुछ अलग उड़ती है, कुछ ऐसा चाल में फर्क इतना नहीं होता। कुछ भी मतलब घर वाले ही मेरे को एक्सपोज करने में लगे पड़े भाई। नहीं नहीं आप पता कर सकते पाकिस्तानी है ये। तो मुस्लिम है और ये। अरे यार वो अफगानिस्तान की है यार, अफगानिस्तान पाकिस्तान फर्क है भाई। ये देखो ये बड़ी पतंग, ये कौन सा साइज है भाई? ये 3 तवा। 3 तवा है भाई। और ये कितने की पड़ी? ये आपको 100 रुपए की। 100 रुपए का? सही कह रहा हूँ मैं भी, 100 रुपए का ला भाई। मेरी हाइट जितनी पतंग है। चल झूठा। हमारे तुक्कल और इस तुक्कल में बहुत डिफरेंस होता है। कैसे? ये तुक्कल आपका सीधा जाएगा, हमारे तुक्कल वो डांस करता हुआ जाएगा। अच्छा अच्छा ये सीधा जाएगा। सीधा तो ये कहाँ की बनी हुई होती है वैसे? ये दिल्ली में कॉपी हुई है तुक्कल की, और असली तुक्कल नहीं। असली तुक्कल आपको हमारे पास ही मिलेंगे जो प्रॉपर अमृतसर से। बट दिल्ली में तो बनती नहीं है पतंग, तुक्कल अमृतसर से ही आते हैं, उसकी कॉपी की है, असली तुक्कल नहीं है ये। अच्छा अच्छा क्या बात है सर। तो ये था भाई का स्टैश है, तो आ जाओ मंजे दिखाओ यार कुछ वैरायटी। मंजे आपको दिखाते हैं जो हमारे अमृतसर से आए हैं। दिखाना ये दिखाना। तो ये सुल्तान ऐसा क्या है ये? बट इसकी डोर अजीब सी है, बहुत मोटी जैसे सद्दी की सी होती है ना। वो स्पेशल ऑर्डर पे बनती है। अच्छा ये अभी पतंगों के लिए स्पेशल ऑर्डर पे बनती है। ये देखो भाई कितनी मोटी डोर है भाई। तो आप देख सकते हो बरेली ड्रैगन बहुत पतला है, इससे पतली छोटी पतंग उड़ेंगी, इससे भारी पतंग उड़ती है। बट बरेली ड्रैगन में ना कांच वाली धार है, कांच वाली धार है। ये सॉफ्ट है, देखते है भाई पेचे लड़ाएंगे भी। लड़ाए चलो भाई, उड़ा के देखते हैं वैरायटी की पतंग कैसी कैसी उड़ते हैं और पेचे काटते हैं। भाई अभी अपन ने पतंग उड़ा ली और पतंग हमारी वो रही। कौन सी है, कितना साइज है? 1 तवा उड़ रही है। बहुत बड़ी पतंग है और हवा ही नहीं है भाई, तो इसलिए उड़ ही नहीं पा रही पतंगें। अभी भी यहाँ कम ही उड़ रही हैं। ये देखो भाई कम ही है मामला यहाँ पे। तब देखते हैं भाई उड़ता है कि नहीं। अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक कह रहे हैं सारी छतें बढ़ जाती है यहाँ से। आज तो वैसे ही 13 अगस्त है, 2 दिन बाद तो पूरा 15 अगस्त। देखते हैं आज बहुत पतंगें उड़नी चाहिए। तो भाई सीन ऐसा है, मैंने तवा उड़ा रखा, इतनी बड़ी तवा है, क्या कहते हैं ये तवा? ये भाई ये तवा है ना, तवा एक है, तवा है ना, तवा। इतनी बड़ी वाली पतंग उड़ा रखी है, कितने की आती है? 30 रुपए की। एक और भाई इतनी भारी है ना, मैंने मोटी डोर से उड़ा रखी है। अब भाई ना मेरे ड्रैगन वाले मांझे से उड़ा रहे। हाँ उड़ाए भाई, लड़ाई पे भाई बहुत भारी पतंग हो रही है। ये देखो कितनी जोर से मैंने खींची हुई है, ये देखो तब जा रही है एकदम टाट के ऊपर जा रही है। तो भाई इसकी भी तवा है, अपनी भी तवा है, दोनों तवा तहल का ऑमलेट बना देंगे भाई। ले भाई तहल का ऑमलेट ये बनने जा रहा है। बट हिल जा 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 हिल। ये देखो चल भाई कुनाल बना। ये देखो भाई ये मार रहा है फुल खेच। लोगों को स्कीमें बता दे भाई, सबसे बड़ी वाली पन्नी की उड़ाओ, इसलिए वही तो उड़ा रहा है। उसके पीछे पतंग 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 बांध रहे हैं इसके पीछे, इसलिए लेके आते दीदी। ये देखो मम्मी देखूंगी पतंग। मम्मी देखो मम्मी उड़ा रही है भाई, है नहीं इतनी ऊंची तो पतंग उड़ रही है। वो देखो रेगिस्तान ने गाड़ी पकड़ा दी, बचपन में करता था। कितनी भारी पतंग है, भारी। आर यू कॉमेडी मी? तो भाई ये देखो अब ये सबसे बड़ी पतंग उड़ा रहे, कितने है? अरे यार मम्मी क्यों वीडियो खराब कर रही हो यार अलग। अब आ जाओ पन्नी वाली उड़ गई, दिखा तो भाई पन्नी वाली अपनी उड़ गई है। ये देखो भाई कितनी भयंकर लग रही है पन्नी वाली। भाई दिखाना कितना वेट है इसमें। ओ भाई एकदम पैनी धार है, ओ खिंचा मारने आ रहा है मेरे को। लो 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 पेचा काटो। ये देखो वो खिंचा मारने आ रहा है, काला वाला खिंचा मारेगा भाई। डील मार रखना। हाँ बच गई। खिंचा फुल मार रहा भाई, देखो तावा में भी लहर रहा है। कहा है वो? देखो आगे जा रहे हैं। ओ वो भाई हमारी पतंग कट के कितनी दूर जा रही है। फिर आ गया, फिर आ गया। बढ़ानी पड़ेगी इसको भाई, मिनट में बढ़ जाएगी यार, हवा तेज है। क्या कुनाल कह रहा है महीना चले जाओ पतंग के साथ है। कट गया। ओ भाई भाई इसमें यही होता है पानी की तरह जाते ही लगी। ओ भाई ये देखो इतनी तेज हो जाती है ना हवा, इतनी तेज है, पतंग इतनी भारी हो गई है, ऐसा लग रहा है मतलब 20 किलो का डंबल से उड़ा रहे भाई। सर फाड़ते हुए जाती है, हो सकता है भाई मामला। देखो भाई हाथ, देखो भाई भाई का
भाई वो वाली पतंग काटो भाई, इतनी भारी पतंग तो मैं उड़ाऊंगा नहीं। इसे खींच मारी आती है इस पतंग से, डील खींच नहीं हो पाएगी ना, इधर उधर भाग। तो भाई अब उड़ाएगा ये, तुक्कल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तुक्कल। ये देखो भाई कैसे उड़ती है। बारिश आ गई है। अरे यार पूरा मौसम खराब हो गया यार। ये देखो टप 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 पानी गिर रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, बादल तो आ ही गए। देखो कैसे उड़ रही है भाई लोगों। ओ भाई तो ये साइड से उड़ती है, इसके साइड के ना पीछे हो जाते हैं, है ना। ओ काट दी। तो भाई वो काली वाली काट चुके हैं। डील कैसे मारते हो भाई, एक बारी मार के दिखाना। ये देखो ये भी काट दी। भाई दो लहरा दिए, देखो दोनों लहरती हुई जा रही है भाई। एक बारी पकड़ के देखे कैसे उड़ती है भाई। भाई बहुत कर रही, उड़ानी पड़ती है। ओ भाई बहुत भारी है भाई, तुम्हारी कसम ऐसा लग रहा है कोई इंसान को खींच के बैठा हूँ। ये देखो ऐसे पूरा ऐसे एकदम रस्सी की तरह। अरे को एक और आया। ओ चली गई यार, डील देते हुए भी चली गई। तुम क्या मारते हैं, डील नहीं आती है। गाइस एक चीज और भाई, मेरे से लोग इतना बोलते हैं कि भाई आपसे बात करनी है। तो गाइस मैं अपना फाइली नंबर वायरल कर रहा हूँ, कर दूँ पक्का, सिर्फ 3 दिन की वैलिडिटी के साथ। ठीक है भाई दिखा, भाई नंबर वायरल कर देता हूँ। सिर्फ 3 दिन की वैलिडिटी है, कभी भी करो। मोस्टली मैं उठाऊंगा रात को 11 बजे के बाद, मैं मोस्टली फ्री हो जाता हूँ। तो रात को 11 बजे के बाद 3 बजे करो, 4 बजे करो, 5 बजे करो, जब मर्जी है, पूरे दिन जब मर्जी करूँ मैं उठाऊंगा भाई 3 दिन, क्योंकि मैं चैलेंज बना रहा हूँ 72 आवर्स पिकिंग अप माय सब्सक्राइबर चैलेंज। तो भाई इस नंबर पे फोन करना, चैलेंज बना रहा हूँ। तो भाई मेरे को कम से कम 3000 कॉल चाहिए। ये मेरा नंबर है, वायरल कर दिया, इसके बाद मैं नंबर चेंज कर लूँगा। तो 3 दिन तक इस पर कॉल करो, ठीक है। सबका फ़ोन उठाऊँगा, बात करूँगा, किसी को कोई भी कुछ चीज़ पूछनी है। Q&A वीडियो बना रहा हूँ, तो Q&A करेंगे अपन। तो भाई फटाफट से कॉल करो। तो भाई इनको पता है मेरे समोसे फेवरेट है, वो भी मैक्रोनी सही है। तो टेस्ट करते हैं। अरे तो चाउमीन निकला, ओ चूना लगा दिया। चाउमीन है, हाँ चाउमीन है, चाउमीन भी बहुत फेवरेट है मेरा। और क्या क्या निकलेगा समोसे के अंदर, जैसे मिस्ट्री बॉक्स होते हैं ना, मिस्ट्री समोसा। अभी क्या है, पतंग उड़ नहीं रही है क्योंकि भाई हवा ही नहीं है। तो भाई ये देखो कहीं नहीं उड़ रही है, लोग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं चल रही है अभी, है ना। पूरा माहौल शांत पड़ा है भाई, हर आदमी छत पे लगा पड़ा है अपनी। A few moments later, अब कर दो, चल भेज दो। अर्चित साइड कर लेना, ये देखो ना ये जैसे इसे संभलती नहीं। टाइट पकड़ के रख पतंग को, वो तो छूट जाएगी, तू आ गया ना। मार्केट घूमने यहाँ का, पतंग का मार्केट कैसा है भाई, कौन सी जगह है? अर्पण बैंकेट के अंदर है। अच्छा अच्छा, चुखंडी चुखंडी। तो भाई अभी चल रहे हैं आगे बुलेट मार्केट, मतलब मैं क्या पतंग मार्केट में बुलेट मार्केट कह रहा हूँ भाई। बुलेट में एकदम ओके चल रही है भाई, पटाखे मारती है।
सब मिलता है। और भाई कितनी बड़ी बड़ी पतंग है तुम्हारी, है क्या? कितने की दे रहे हो इतनी बड़ी पतंग? 600 रुपए का। भाई कितना बड़ा साइज हो गए? 6 तवा। भाई साहब उड़ाने के लिए भी सही कह रहे हो। बाकी ये भाई का स्टॉक है अंदर, ये देखो तगड़ी तगड़ी वैरायटी है भाई। फुल क्या हाल है भाई, फुल पतंग बेच रहे हो, मामला है। 250 है गजब भाई। ये देखो सारी एक से एक पतंग है भाई, बहुत बड़ी पतंग है। सही है सही है। तो भाई एक से कनाडा वनाडा सब बेच रहे हैं भाई। चलो मेरे भाई, चलो थैंक यू भाई। अभी चल रहे हैं घर अपन। और भाई अभी ये देखो भाई स्पीड में, ये देखो भाई 50 की स्पीड में रिक्शे को धक्का मार रहा भाई, देखना मम्मी। ये दिल्ली है, ये 50 से ज्यादा हो गया भाई। भाई हाँ 60 पे पहुंच गए भाई। ये देखो भाई कमाल ही कर दी है मोटर कचोरी, इसकी शर्ट उड़ने को हो रही है। तो भाई सीन ऐसा है, अभी अपन ने प्लान करा है कि भाई हम जाने वाले हैं, जैसे 15 अगस्त हो जाएगी तो मैं थार लेके आऊंगा सबसे पहले। तो 15 से 20 के बीच में थार की सीरीज आएंगी, मतलब थार लेके आऊंगा, कितना खर्चा हुआ क्या है। और यूपी में एक सबसे हॉन्टेड जगह, उसका ही व्लॉग बना के आऊंगा। चलेगा तू यूपी? चलो जी 16 अगस्त को जाके है, ऑन है हमेशा है। तो भाई हमने सारे जितने भी व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स लिए ना, सिर्फ इसीलिए लिए हैं क्योंकि 10 कैमरे का सेटअप बैठा हुआ मैं वहां पे। और दूसरा 20 तारीख के बाद, 20 अगस्त के बाद अपनी आने वाली है सुपर बाइक। तो वो अभी दिल्ली में नहीं है, वो बाहर खड़ी है। और वो कहाँ खड़ी है और कौन सी बाइक है तो वो आपको पता लगेगी 20 तारीख के बाद, जब हम उसको लेके आएंगे हाईलैक्स में डाल के भाई, है ना। और मतलब इन 10 दिन में इतनी सारी खुशियां आने वाली है ना भाई हमारी जिंदगी में, तो भाई गराज हरा भरा हो जाए। और एक चीज और, हम एक विंटेज बाइक ले रहे हैं, समझ गया जो मैं तेरे को बोला था। तो एक विंटेज बाइक भी आने वाली है, तो इस महीने में 15 दिन में 3-3 चीजें आ जाएंगी अपने गैराज में। तो भाई मजा आने वाला भाई, भर दूंगा पूरा गैराज, उठा दूंगा साफ करने के लिए भाई, कर दूंगा भाई शौकीन बाइक साफ कराए। तो भाई सीन ऐसा है, अब मैं फिलहाल तैयार हो गया और तुम्हारी कसम चला भी नहीं जा रहा मेरे से। टांगे मैंने स्क्वाट्स मारी थी कल, तो टांगे तो भाई टेढ़ी मेढ़ी हो गए। खाने में लग जाती, क्या खा रही है? टाइम से बढ़िया वाला पुलाव। क्या बढ़िया वाला पुलाव, ठंडा गरम भी नहीं करा? गाँव में रहती थी क्या? तो माइक्रोवेव क्यों ला के रखा है? माइक्रोवेव किस लिए है ये? इसको देखो और ये इसको देखो। भाई अभी अपन आ गए जिम और भाई अपने ट्रेनर है। भाई कैसे करनी है, पेट कैसे कम होगा? ये भाई ने कल इतनी हार्ड कराई थी, चला भी नहीं जा रहा। तो का क्या करा जाए आज? चलो जी। तो गाइस आज अपन करने वाले हैं बाइसेप और बैक। तो भाई भी कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, भाई का भी गैप हो गया था। है भाई कब दोनों भाई साथ करा करेंगे? बैक की ये वाली मार रहे हैं, तो बैक की 6 करेंगे आज, बाइसेप की करेंगे 3। सूजियां के मेरी फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे, अगले दिन उठू मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा बॉडी का पुकारे। तो क्या बनाए मेरे लिए? अरे ये सावन कब चल रहा है? अभी भी चल रहा है क्या? और क्या सावन है ना, तू तो हर सावन खाता है अंडे और नवरात्रों में। कोई बात नहीं, हमें अंडे वेज होते हैं, ऐसे तो दूध भी वो होता है नॉन वेज, गाय के उसमें से निकलता है पेट में। गाइस एक बारी कमेंट करके बताओ अगर अंडे मुर्गी के उससे निकल रहे हैं तो भाई ऐसे तो दूध भी निकल रहा भाई मुर्गी के पेट, गाय भैंस के पेट से। तो अंडे वेज है नॉन वेज या दूध वेज है नॉन वेज, एक बारी कमेंट में थोड़ी बहसम बासी हो जाए, और है तो क्यों है। बाकी तुम्हारे भाई की बॉडी कुछ ऐसी बन रही है, देखो बैक टू फॉर्म आ रहा है। बस ये थोड़ा सा ये जो पेट है ना भाई, ये थोड़ा अंदर कर लू, बाकी तो ओके रिपोर्ट हो रहा है मामला। ये देखो भाई, तो भाई इस पे और काम करना है मेरे को,
तो भाई अब मैंने रात को ना डाइटिंग करना बहुत चालू कर दिया है, तो अभी दिखाता हूँ डाइट क्या लेता हूँ। तो लाइट जलाई जाए। तो भैया ये चल रही है अपनी डाइटिंग, ये आम खाता हूँ, बाकी ये थोड़े फ्रूट्स पपीता जिससे पेट साफ रहे, बाकी रात को मैं खाता हूँ पनीर और ये सैंडविच जो कि ग्रिल नहीं है कुछ नहीं है सिंपल सादा, इसमें सैलेड वैलेड डाल के। तो ये खाता हूँ, ये अंडे आ गए, टाटा थैंक यू। एक ने गद्दा काम बनाया है। कहाँ भाई कहाँ कहाँ सोना चाह रहे हो? डॉलर यहाँ कहाँ कहाँ फुल रजाई वजाई ओढ़ के नवाब बन के हैं सो जा। ऊँ मत कर, अब ऊँ मत कर, ऊँ मत कर। और रूबी कहाँ सोएगी फिर? मैं ये तकिए पे सोती है अभी, वैसे सो गया अच्छा। तकिए पे सो जाएगी। आजा आजा रूबी आजा आजा आजा। ये देखो आ रही है, डॉलर सो गया उसकी जगह, डॉलर भाग जाएगा देखो। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कुत्तों का मतलब सोने का टाइम क्या होता है? सुबह का होता है दिन का होता है? क्योंकि मैंने अपने तो देखे हैं जब ये जब मर्जी है जब सो जाते हैं। ये हाँ ये रात को सोते हैं और ये सुबह के समय जगते हैं, ये है ना, और ये ना 9 बजे के बाद में सोते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अगर पूरी रात जगोगे तो ये जग लेंगे और एक्टिव भी रहेंगे जैसे इंसान की तरह। नहीं हाँ, पता नहीं ऐसा क्या है इनको, चाहे 1 घंटा सुला लो फिर पूरे 8 घंटे मस्ती करा लो, मतलब ये जब अकेलापन होगा ना तभी सोएंगे, अदरवाइज ये हाँ नहीं तो ये 2400 घंटे एक्टिव रहते हैं भाई। डॉग्स कभी थका हुआ देखा डॉग्स को आपने? कभी वो यो कहता है आप चली जाती ना आगरा या कहीं बाहर, तभी अब तो सोते ही रहते हैं 2-4-5-10 दिन जितने दिन आओ मम्मी नींद पूरी करते हैं। पता नहीं इनको क्या भगवान ने वरदान दिया है कि भैया जब कोई नहीं होगा तभी सोएंगे और ये थकते भी नहीं है। ये देखो भैया मालिक की रक्षा करते। रूबी ओए काली देव। तो भाई इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको आज वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और कल है भाई 14 अगस्त, और 14 अगस्त वाले दिन भी पतंग उड़ाएंगे, बहुत पतंग उड़ेंगे, तो अपन भी काइट टेस्ट करने वाले हैं। जो मैं वहां से लाया था ना बरेली मुरादाबाद रामपुर, तो मैंने ये उस टेस्ट ही नहीं करा, तो वो टेस्ट करेंगे कल अपन, और फिर बाकी 15 अगस्त को 15 अगस्त कलेक्शन अपना है। ठीक है चलो जी, गुड नाइट बोल दो रूबी, बाय 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 बाय।